ना हो जाए। तो लास्ट सेशन में हमने जंप करने वाला जो स्टेटमेंट था, सिंपल जंप करने वाला, इफ और इफ एल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एल्स इफ लैडर जो मल्टीपल जंप करने के लिए या मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लोग कह सकते हैं इस्तेमाल किया। इसके अंदर चौथा जो हमें सीखना चाहिए वो है स्विच केस, है ना। अभी इसमें भी मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल जंप जो है हम लोग ले सकते हैं और इसमें भी ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग वो भी चेक करेंगे, और इटरेशन या रिपीटेटिव या लूपिंग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। आगे वाला जो रहेगा फॉर इन, फॉर ईच, फॉर ऑफ, ये सारी जो चीजें हैं हम एरे के साथ उसे डिस्कस करेंगे या ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये प्राइमरी फंडामेंटल में इतना आना चाहिए आपको। तो लास्ट डे का जो सिंटैक्स था मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। इसका सिंटैक्स ऐसे इफ और इसके अंदर होता है कंडीशन। सिंटैक्स मतलब कि किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और ये ब्लॉक इसका। इफ एल्स का जो सिंटैक्स है ये इफ है और यहाँ पे उसकी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन आपको जो देनी है वो, और इसका ये ब्लॉक रहेगा इफ का, और एल्स का जो ब्लॉक है ये एल्स का ब्लॉक होगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एल्स इफ लैडर में क्या सिंटैक्स था आप लोगों को अगर मैं बता दूं, इफ की इसके अंदर क्या होगी, हमारी कंडीशन होगी, कंडीशन जो भी कंडीशन लिखनी है वो, और जैसे कि एल्स सबसे लास्ट में एंड में होगा ये, और इफ के और एल्स के पहले इफ के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लिखने के लिए एल्स इफ इस तरह से किया जाता है। इसी को एल्स इफ लैडर भी कहा जाता है, जो आपको बताना है यहाँ पे क्या देना होता है, कंडीशन, और इसके अंदर आपके जो भी स्टेटमेंट होंगे एग्जीक्यूशन करने के लिए वो सारे इस्तेमाल कर सकते हो, आपको जो भी लिखना है इसके अंदर। तो यहां तक हम लोगों ने कवर किया है। तो आज का जो स्विच केस है ये क्या करता है एल्स इफ लैडर में और इसमें क्या अंतर है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आवाज मेरी आ रही है सबको? सर यस सर ठीक है। स्विच केस में और इसमें क्या डिफरेंस है कि जैसे कि अगर मान लो अगर मुझे कहना है कि किसी का एज 40 से ज्यादा है तो उसे सीनियर सिटीजन कह दो, अगर कम है तो यंग, ऐसे बोलना है हमें सपोज मान लेते हैं। तो यहाँ से 40 से बाद जितने भी नंबर्स आएंगे या जितने भी एजेस जो भी डालेंगे ये एक रेंज है, मतलब 40, 41, 42, 43, 44 एंड समहाउ। लेकिन स्विच केस में ऐसा नहीं होता। स्विच केस में क्या होता है, एग्जैक्ट मैच होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर केयर को कॉल कर लेते हो और वहां पे रहता है, वो बताते हैं हिंदी के लिए एक दबाई है, अगर एक अगर हम लोग इंटर करेंगे तो हिंदी ही आएगा, फॉर इंग्लिश के लिए दो, ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन ढूंढे होंगे या देखे होंगे कि यहाँ पे पता होता है कि वन के लिए पर्टिकुलर चीज है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कॉल सेंटर में कॉल किया तो वन के लिए मराठी, ठीक है, दो के लिए हिंदी, मतलब अगर टू प्रेस करोगे तो हिंदी रहेगा, थ्री के लिए सपोज मान लेते हैं इंग्लिश, ऐसे ऐसे वाला। अभी इसमें और एलसीप में क्या फर्क है एज अ कंपेयर टू परफॉर्मेंस मल्टीपल कंडीशन में क्या डिफरेंस है? देखो इससे क्या होता है कि अगर ये मैच हो गया कंडीशन तो ये प्रिंट होगा, अगर नहीं मैच हुआ तो यहाँ पे भी आएगा कंपाइलर, सारे कंडीशन को चेक करेगा ऑल। अगर आपके पास 1000 कंडीशन है ना तो इफ एल्स क्या करता है, ऑल कंडीशन को चेक कर लेता है और जहां पे वो कंडीशन ट्रू होगी वहां पे वो प्रिंट कर देता है। लेकिन स्विच केस में क्या है, वो सिर्फ वन आया तो ये प्रिंट कर देगा, टू है तो ये प्रिंट कर देगा और थ्री है तो ये प्रिंट कर देगा, बस अभी तीन ही कंडीशंस है, डायरेक्टली वो मैच करेगा पर्टिकुलर कंडीशन को और एग्जीक्यूट कर देगा। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो इसे। आप एक नए घर में गए हो और वहां पे स्विच है, बटन है,
ठीक है, 10 बटन्स है और उस पर कुछ भी लिखा नहीं, कौन सा फैन का है, कौन सा लाइट का है, कौन सा रिमोट का है, कुछ भी नहीं, कौन सा वॉशिंग मशीन का, कुछ भी लिखा नहीं है, और आपको करना है फैन चालू, तो आप लोग क्या मेथड करोगे? लिखा तो है नहीं, क्या करके देखोगे आप लोग? इफ एल्स तो सारे इफ बटन जो है आप प्रेस करके देखोगे, बराबर? बराबर यू नीड टू डू दैट थिंग, चालू बंद करके। तो आपका जो टाइम है, अगर वो बटन अगर लास्ट वाला निकला, तो मतलब अगर 10 बटन है तो आप लोगों ने 9 बटन जो है दबाया, आपका उसमें टाइम वेस्ट हुआ। अगर वही चीज हमें पता है, अगर हम ही वही चीज वहां पे लेबल करते कि 1 जो है ये टीवी के लिए, 2 जो फैन है, तो आप लोग क्या करते थे? आप सीधा अगर फैन चालू करना है तो आप लोग क्या करते थे उस पे? अगर पहले से ही नंबर लिखा होता था, जैसे कि फैन का बटन है, तीसरा वाला ये बटन है, तो आप क्या करते थे? सारे बटन दबा के देखोगे या डायरेक्टली फैन लिखा हुआ है नो वही चालू? पहले तो इससे क्या होगा, जो आपके जो बटन दबाने के लिए जो टाइम वेस्ट हुआ है वो बच जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस अभी आप यहाँ पे 10 है, आपके एप्लीकेशन में ऐसे नंबर ऑफ कंडीशन 1000 होते हैं। फिर आप बोलोगे कि स्विच केस ही हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे, तो नहीं, स्विच केस हम लोग हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्विच केस का पर्पस सिर्फ एग्जैक्ट मैच के लिए होता है कि अगर 1 आया तो ये करना है, मोस्टली हम लोग रियल टाइम में वही करते हैं। या तो ए है तो एप्पल प्रिंट कर, बी है तो बॉल प्रिंट कर, ये ऐसे नहीं बोल सकते, रेंज नहीं दे सकते हम लोग कि ए से लेकर जेड है तो ABCD प्रिंट कर, ऐसा हम नहीं बोल सकते, रेंज नहीं दे सकते, ये डिफरेंस समझ लेना आप लोग। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, और मैं तो कहता हूं अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली करते हो तो कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, यू नीड टू डू इट, जस्ट इसे समझो और करो। अब इसका सिंटैक्स जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे लिखना है स्विच, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इस प्रोग्राम में, लेट, जो भी मेरी चॉइस है, मान लेते हैं 1 है मेरी चॉइस, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्विच, और इसके अंदर ये जो पैरेंथेसिस है, चॉइस इसके अंदर जो है चॉइस डाल देते हैं। ये वेरिएबल आपको जो भी नाम देना है आप डाल देना, ठीक है। अभी आपको ये भी बताना होता है इसके अंदर, देखो मैंने इसका ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ये स्विच का ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। अभी इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, अगर चॉइस में 1 है तो क्या डिस्प्ले कराना है हमें? तो हमें यहाँ पे लिखा है क्या कि 1 है तो ये आ जाए, हमें लिखना पड़ेगा ऐसे, अगर केस स्पेस देके :1, अगर केस 1 है इसके अंदर, मतलब 1 है तो ये वाला एरिया प्रिंट कर दे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं console.log, आप document. या अलर्ट, आपको जो भी करना है आपके हिसाब से कर सकते हो। डिफॉल्ट लैंग्वेज इज मराठी, ऐसे, और बस ये केस मैच हो गया तो ये ब्रेक हो जाए, प्रोग्राम यहीं पे रोके। ये इसके बारे में हम लोग आगे, कंटिन्यू एंड ब्रेक जो 2 वर्ड है, इसके बारे में हम लोग आगे ज्यादा डिस्कस करेंगे लूप के अंदर, ठीक है। ये ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को, बस केस मैच हुआ, नीचे नहीं आने देगा। दूसरा है, अगर इसमें 2 आता है :2 के बाद :, केस, और अगर हमें हमें 2 के लिए बनाना है तो हमने 2 लिया console.log, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी होगी अब? जी ये इस तरह से, और इसका ब्रेक, ये इसका सिंटैक्स है। इसी तरीके से आप कितने भी कर सकते हो, जैसे कि case 3 के लिए मुझे बता देना क्या है, console.log ब्लॉक फॉर लैंग्वेजेस slang is English, break, ठीक है, डिफॉल्ट लैंग्वेज इज ब्रेक, डिफॉल्ट। अभी मान लेते हैं कि बस ये मेरी 3 चॉइस थी, बस ये देखो, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये पहला,
ये दूसरा और ये तीसरा। अगर आपको 4, 5, 6, 7 लेना है तो आप ले लीजिए। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, स्विच, उसके अंदर एक वेरिएबल डाल देंगे और उसमें अगर 1 रहेगा तो क्या प्रिंट करेगा ये? मराठी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करूँ सर, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फॉल थ्रू हो जाएगा, मतलब नीचे वाले के लिए भी चेक करने के लिए जाएगा, उसे फॉल थ्रू बोलेंगे। एक बार चेक कर लेना, फिर बाकी के आउटपुट भी आने लगेंगे, ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, सो यहाँ पे वीएस कोड लगा देते हैं हम लोग। वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। जंपिंग डॉट जेएस। देखो कोड इस तरह से लिखना चाहिए आप लोगों को, कोई जरूरत नहीं है कि आप वीएस कोड में लिख रहे हो, या कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप सादा पेपर पे भी लिख सकते हो इस चीज को, बस सिंटैक्स ध्यान में रखना। नोड और क्या नाम है इसका, जंपिंग, कहाँ पे एरर आया इसका, क्या कहना है, चॉइस देना पड़ेगा। उसने क्या बोला है देखो एक बार पढ़ो, कुछ तो मिस बोला रहेगा ना उसने। हाँ चॉइस ही देना है, लेकिन क्या एरर दिया इसने एक बार चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे एरर दिया स्विच पे, और एरर में क्या बोला उसने, रेफरेंस एरर। ये वेरिएबल ना बाय डिफॉल्ट अगर लेंगे तो भी वो डिक्लेयर्ड होता है, याद रखना जावास्क्रिप्ट में ये ब्यूटी है, लेकिन उसको हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन का मतलब होता है कि हमें उसके अंदर वैल्यू तो डालनी पड़ेगी। तो मैं वापस एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ कि ये जो है जैसे कि चॉइस, इसे इतने इतने एरिया को क्या कहा जाता है, डिक्लेरेशन। हम लोग बिना लेट के भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने दिया, मतलब यहाँ पे डिक्लेयर तो है बट डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया और चॉइस के अंदर ऐसे मैं वैल्यू भरूंगा, तो ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो अब क्या आपका चॉइस वेरिएबल डिफाइन है या नहीं? यस सर, डिफाइन है, डिफाइन के अंदर वैल्यू। अभी देख लीजिए, कोई कोई बोलेंगे कि सर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं क्या, चेक करो। ठीक है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में है कि वेरिएबल अगर आप इस्तेमाल करोगे, हाँ वो वेरिएबल कंसिडर करेगा, लेकिन उसके अंदर वैल्यू भरना बहुत जरूरी है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, क्या आप लोगों को ये क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे 3 करूंगा, लेट्स सी 3 कर दूंगा, क्या आउटपुट आना चाहिए? इंग्लिश, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, चलेगा, ये समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि मैंने यहाँ पे 5 डाला है, लेट्स सी, या 30 डाला है, तो अब क्या होगा? क्या कोई यहाँ पे मैचिंग वाला है, यहाँ पे 30 है यहाँ पे मैचिंग करने के लिए? नो नो, तो इस केस में ना ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा शायद से, मेरे हिसाब से कोई मैच ही नहीं हुआ, ब्लैंक देगा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए या तो यूजर तो कुछ भी गड़बड़ डालते हैं, आपको बोला जाता है 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, तो कोई कोई तो 10 भी प्रेस कर देगा। तो उस केस में आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, कुछ तो बताना चाहिए ना। तो क्या बताता है, आप जब कॉल कर सेंटर को कॉल करते हो और कोई भी की प्रेस कर देते हो तो क्या बोलता है वो? वापस से वही बताओ, इनवैलिड चॉइस या ऐसा कुछ तो बताता होगा, ये मान्य नहीं है। देखो तो डिफॉल्ट यानी क्या होगा कि अगर एक भी केस ऊपर का मैच नहीं हुआ तो ये डिफॉल्ट में प्रिंट कर देगा। ब्रेक लगाने की जरूरत है नहीं, इसे लास्ट है तो इसके बाद वाला क्या प्रिंट ही होगा। ठीक है, फॉल बैक करने की जरूरत नहीं इसमें। क्या आप लोगों को ये सिंटैक्स समझ में आया कि कैसे करते हैं सिंटैक्स? एक स्विच के, एक आपको स्विच लेना है, एक वेरिएबल केस और ब्रेक के बीच में आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल आपको जितना चाहिए जितनी मर्जी है
उतना आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, रह सकता है कि सर क्या हम लोग स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं या स्ट्रिंग ले सकते हैं? जी आप बिल्कुल, आप लेट लिख लीजिए यहाँ पे, और लेट से कि फ्रूट का नाम मैं लिख देता हूँ, आपका वेरिएबल का नाम तो कुछ भी ले लो आप। तो मैं यहाँ पे लेट से कि सिंगल कोट में ए लिख देता हूँ, अभी कैपिटल ए है यहाँ पे, ध्यान देना। मैं लिख सकता हूँ ए के लिए क्या प्रिंट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? एप्पल ना, एप्पल। तो यहाँ पे मैं फ्रूट डाल देता हूँ, तो उसके बाद क्या रहेगा मेरे लिए, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, केस। और ये स्ट्रिंग है इसलिए ध्यान रखना, हमें ये जो मैच करने के लिए देना है ये भी स्ट्रिंग हो, अगर स्मॉल भी रहेगा तो ये चलेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे कैपिटल वाला दे देता हूँ, क्योंकि ऊपर भी मैंने कैपिटल वाला दिया है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्या लिखना था, बस इतना ही लिखूंगा मैं, अभी ज्यादा तो कुछ लिखूंगा नहीं, बस बाकी आप लोग तो समझदार है कि आप मल्टीपल लिख सकते हैं, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये सारी चीजें जो है आप इसमें लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, ये किसी को कंफ्यूजन है, ये सिंटैक्स क्या है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए मुझे। बोलिए कंफ्यूजन है कि नहीं? नो सर, नो। अगर मान लो, चलो एक एग्जाम ले लेते हैं अभी यहाँ पे, मान लेते हैं आप होटल में जाते हो कि नहीं, कोई कोई लोग, सर सारे ही नहीं जाते होंगे बट 99% लोग तो जाते ही होंगे, कभी गए हो कि नहीं, गए तो होंगे ना, है ना? यस सर। तो उसका मेन्यू कार्ड बनाने में मुझे हेल्प करो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट मेन्यू इक्वल टू, अभी अगर मेरा वन है तो वन के लिए, मान लो चॉइस के लिए वन के लिए वेज मेन्यू है, टू के लिए नॉन वेज रहेगा, ये वन के लिए वेज और टू के लिए नॉन वेज, तो ये प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? हम लोगों को डिस्प्ले कराना है वेज मेन्यू, वन किसी कस्टमर ने अगर वन प्रेस कर दिया तो वो वेज मेन्यू के बारे में डिटेल्स दे देगा, नहीं तो फिर टू प्रेस करेंगे तो नॉन वेज, अगर थ्री है तो बोलेंगे कि रेसिपी नॉट प्रिपेयर्ड और कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, रेसिपी इज नॉट अलाउड, ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे बताओ, मुझे एक वेरिएबल ले लिया इसके अंदर भर दिया, तो अभी क्या पुट करूंगा यहाँ पे बोलिए, स्विच, स्विच का सिंटैक्स ले लिया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसका ब्लॉक रेडी, इसमें क्या प्रिंट करना, मेन्यू कंडीशन, कंडीशन में मेन्यू प्रिंट करना है, यहाँ पे अभी क्या लिखना है, पहला कंसोल डॉट लॉग केस 1, कंसोल डॉट लॉग केस 1 में लिखेंगे वेज मेन्यू, अभी वेज मेन्यू में क्या क्या आता है वो आगे की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ब्रेक, ठीक है। केस 2 में क्या है, अब ठीक है, और ब्रेक, किसी को भूख लगे तो मुझे मत बोलना यार, अभी ये सुन सुन के ना, तो ये जो मेन्यू हुआ है ये तो ये चलेगा, काम करेगा क्या ये मेन्यू, और डिफॉल्ट में क्या रखना है, डिफॉल्ट में क्या रखे, नॉट अवेलेबल, कंसोल डॉट लॉग नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, और इसे ब्रेक कर देते, ब्रेक करने लास्ट वाला स्टेटमेंट है इसलिए ब्रेक नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ चलो ओके, ये बन गया है। अभी हम लोगों ने सिंपल वाला स्विच केस सीखा है, अभी नेक्स्ट वाला है नेस्टेड मेन्यू, नेस्टेड स्विच केस, नेस्टेड जब भी आएगा ना तो एक याद रखना, नेस्टेड कुछ भी आएगा, नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है, नेस्टेड इफ हो सकता है, नेस्टेड लूप हो सकता है, नेस्टेड स्विच केस होता है, नेस्टेड का मतलब क्या है, कौन बता सकता है नेस्टेड का मतलब क्या उसके है? अंदर है, उसके अंदर, अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा स्विच है, ठीक है, ये पहला स्विच है और एक स्विच के अंदर और एक स्विच लेंगे, तो इसे हम लोग ये अपने टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, नेस्टेड,
एक चीज के अंदर और दूसरी चीज या एक स्विच के अंदर और दूसरा स्विच है, एक इफ के अंदर और एक इफ करेंगे तो उसे नेस्टेड कहा जाता है, तो याद रखिए। तो नेस्टेड से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या नेस्टेड से हम लोग चेक कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि ठीक है मेन्यू तो ले लिया हमने, अभी वेज में तो कुछ ना कुछ मेन्यू होंगे ना, ठीक है मैंने वन प्रेस किया तो वेज मेन्यू आ गया, अभी वेज में भी तो मेन्यू होंगे ना बहुत सारे, तो इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ स्विच। स्विच का मतलब है कि मैं ठीक है बाहर बना के दिखा देता हूँ आपको ऐसे, जस्ट अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बाहर बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स सी वेज मेन्यू एज ऑफ नाउ, सब मेन्यू जो भी रहेगा ऐसे नाम दे देता हूँ मैं सब मेन्यू, लेट्स सी वन, और ये वेरिएबल भी इसका स्कोप जो है हम लोग डिफाइन कर देते लेट वाला, और यहाँ पे क्या आएगा फिर बोलिए सब मेन्यू, सब मेन्यू ये बाहर किया मैंने आप लोगों को अच्छे से समझ में आने के लिए जस्ट नॉर्मली, ठीक है या वेज मेन्यू लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कि ये वेज के लिए था और वो नॉन वेज के लिए रहेगा। अगर केस वन है तो बताओ मुझे आप, आपकी चॉइस क्या है, आपको क्या लगता है जो पसंदीदा डिश है वही लिख देते हैं यहाँ पे, बोलिए अभी वेज मेन्यू में क्या लिखूं मैं फर्स्ट, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का ठीक है, दो तीन बताना ज्यादा नहीं, एक एक करके मुझे लिखने दो, मेरा स्पीड उतना नहीं है जितना आप बोलोगे। बोलिए दूसरा, मिक्स वेज, मिक्स वेज लड़कियों को मतलब काम है क्या ये, करना पड़ेगा क्या अगर बोलेगी तो, घर में ऐसा है क्या अगर बोलेंगे तो, लड़कियां बोलेंगे तो बनाना पड़ेगा क्या, पकाना पड़ेगा क्या, कोई तो बोलो, पनीर चटपटा, पनीर चटपटा, कोल्हापुरी, पनीर कोल्हापुरी चटपटा, पनीर चटपटा, यार घर में सुधेंगे तो बोलेंगे बनाओ, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो बना ना ये देखो ये वेज के लिए बना, ये बाहर ही बना दिया मैंने, अंदर अभी डाला नहीं मैंने उसको आउटर में, लेकिन और भी दूसरा भी बना लेते हैं लेट नॉन वेज, किसी को अगर प्रॉब्लम है नॉन वेज से तो आप ना बोले नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल है कुछ को शायद ना अच्छा लगे। यहाँ पे क्या कौन सा वेरिएबल पुट करना होगा मुझे, नॉन वेज, नॉन वेज, तो इसका केस जो है वन है तो बताओ अभी, कोई तो बता देना मुझे, बिरयानी, बिरयानी चिकन हंडी फिश फ्राई, पर ऐसे बोलो यार मतलब क्या है, चिकन हंडी, चिकन हंडी, एक एक आराम से आराम से आराम से आराम से, मैं उतना फास्ट नहीं लिख सकता यार, इतना फास्ट नहीं लिख सकता, एक करी लो, चलो ये कई कई पे वेज भी माना जाता है यार, एक करी को अंडे को एक वेज भी माना जाता है कोई कोई इलाके में, तो ये तो लिखना बनता है ठीक है, बाकी के तो आप लोगों को पता है आप लोग लिख दो। अभी ये मुझे क्या फुल्ली फंक्शन बनाना है, मतलब कि अगर मैं ये वाला जो वेज के लिए या जो नॉन वेज के लिए मैं एक के अंदर एक डाल दूंगा, ये शायद मेरा ये किधर गया, मेन वाला अपना मेन्यू वाला है, ये वाला है ना मेन वाला, तो इसके अंदर ना ये केस और ब्रेक के जस्ट अंदर मैं ये वेज वाला जो कोड लिखा है ना इसके अंदर डाल दूंगा, एक के अंदर एक, अगर आप लोगों को शुरुआत में उसके अंदर कोड लिखने में हो रहा है ना तो ऐसे बाहर लिखो इसे रन करो और फिर उसके अंदर मिक्स करो, तो मैं ही वैसे ही दिखा देता हूँ रन करके पहले इसको, मेन्यू वाला जो है सिंपल सा बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं खुद असेंबल करके दे देता हूँ आपको इसको, ये देखो तो मेन्यू का तो डिक्लेरेशन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ठीक है क्या बचा है अभी हमारा, यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ नोड और
वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ लेट मेन्यू, और जानबूझ के मैं अलग अलग जगह पे डिक्लेयर और डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझो कि डिक्लेरेशन किसे कहते हैं और डेफिनेशन किसे कहते हैं। ये डिक्लेरेशन है और ये डेफिनेशन है, याद रखना। और ऐसा एरर आने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। अभी हम लोग कहाँ किसके अंदर इंटर किए हैं, वेज मेन्यू के अंदर आए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने जो कोड अलग से लिखा था ना वेज मेन्यू वाला, इसे कॉपी करके इसके अंदर डाल देते। तो ये क्या हो गया अभी, नेस्टेड वाला एरिया, ये बन गया नेस्टेड। जैसे ही मैंने एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच इस्तेमाल किया, सेम रहता है बट एक के अंदर एक रहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पनीर टिक्का क्यों आया इसमें, क्योंकि आपने वेज मेन्यू क्या रखा हुआ, वन करके अभी टू किया तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स वेज आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नॉनवेज वाले डिश की तरफ, और ये नॉनवेज वाला जो है इसे कॉपी करके इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं उसको। आप लोग जैसे आपको चॉइस रहेगी वैसे आप पुट कर देना, एज यू विश। मैं इसे सेव कर देता, अभी इसका भी वो वही चीज हुआ है, ये कॉपी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो अभी जो बाहर वाला मेन होता है ना उसे आउटर स्विच केस कह सकते हो, और जो अंदर वाले होते हैं ना उसे इनर कह सकते हो। तो अभी हमारा मेन्यू क्या है, वन है, तो ये किस में चला जाएगा बाहर के हिसाब से। मेन्यू अगर वन है, मेन मेन्यू अगर मेन है, तो ये कहाँ पे आएगा, वेज मेन्यू में आएगा, वेज मेन्यू। ठीक है, लेकिन अभी हमें कहाँ पे टेस्ट करना है, कहाँ पे लेके जाना है इसे, नॉन वेज जाना है। तो हमारा जो मेन मेन्यू है इसे हम लोग टू कर देते हैं, टू। तो अभी टू कर देंगे, ठीक है, टू कर देंगे तो ये जो बाहर वाला है लेके आ जाएगा नॉन वेज पे। और इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने वेज को क्या डिक्लेयर किया, ये जो नॉन वेज मेन्यू वाला है इसे क्या डिक्लेयर किया, वन। तो क्या प्रिंट करना चाहिए, चिकन। जो आप कोड लिख रहे हो वो आपको पहले ही उसका आउटपुट पता होना चाहिए कि आप क्या आउटपुट लाना चाहते हो। क्या आप लोगों को ये क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मजा आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉम्प्ट ले सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट से जब वैल्यू लोगे तो याद रखना वो स्ट्रिंग होगा। आपको क्या करना पड़ेगा स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए, नंबर या पार्सिंट जो भी आपको इस्तेमाल करना हो, तो आप बिल्कुल जी हाँ ले सकते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट वाला हमारा क्या टारगेट है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। आर यू कंफर्टेबल गाइस टू गो अहेड? यस सर, यस सर, या ओके जी बिल्कुल। अभी तीनों ही लूप का एक ही काम है, बार बार जब तक कि उसे दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक उसके बॉडी में यानी उसके ब्लॉक में जो होगा वो रिपीट करते जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक बनाया और कोई तो भी लूप लिया, मैंने कहा यहाँ पे ट्रू, तो ये चलते ही रहेगा इसके अंदर। कंसोल डॉट लॉग, स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है विशाखा, अगर यहाँ पे ट्रू लिखा है मैंने, एनी हाउ लेट्स सी यहाँ पे पैरेंथेसिस भी डाल देते हैं, तो ये चलती ही रहेगा जब तक कि पूरा कंप्यूटर का ब्राउजर, वो जो ब्राउजर है वो हैंग नहीं हो जाएगा, रुकेगा नहीं। जब ये फॉल्स होगा तो ये स्टॉप होगा। रिपीटेशन का मतलब है कि जब तक यहाँ पे ट्रू है तब तक ये चलते रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगा इट विल स्टॉप, रिपीट करेगा। फिर आप लोग बोलोगे कि सर रियल टाइम में कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने प्रिंटर देखा है, पता तो होगा ही, या जेरोक्स मशीन तो पता ही होगी आप लोगों को। आपने अगर बोला कि पांच जो है पांच प्रिंट निकालनी है, तो वो कितनी प्रिंट निकालता है, 50 या 5? 5। आपने बोला उसको 10, मतलब वो एक ही काम है, रिपीट एक ही काम है प्रिंट करने का, प्रिंट करने का, लेकिन वो कब तक रिपीट कर रहा है, जब तक कि आपने उसे, जब तक हमने बोला है, जब तक आपने बोला है। वैसे ही पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल भरे भाई 100 का भरे या 200 का, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो भरते ही रहेगा।
बाकी रुकेगा। तो ये जो रियल टाइम सिनेरियो में भी हमें बहुत जगह पे मतलब बेसिक जो है ना यही चीज यूज की जाती है, कंडीशनल स्टेटमेंट और फंडामेंटल ही 90-90% का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन में। याद रखना ये बहुत मजबूत करो, है सिंपल बट थोड़ा सा आप कंटिन्यूटी करके करोगे ना समझ में आएगा, याद रखना। तो लूप का भी वही सीन है, अभी आपको लूप में क्या सिंटैक्स है मैं पहले सिंटैक्स बता देता हूं। इसका फॉर लूप है तो यहाँ पे आपको लिखना होता है फॉर और इसका ब्लॉक रहेगा। ये आप ये ब्लॉक नीचे के लाइन पे समझने के लिए लिख सकते हो या आपकी चॉइस है, ठीक है, कहीं पे भी इस तरह से फॉर लिखा। इसमें ना तीन चीजें देनी होती है, पहले देना होता है स्टार्ट स्टॉप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्या देना है स्टार्ट स्टॉप, मतलब ये स्टार्ट कहां से होना चाहिए, स्टॉप कब होना चाहिए और हर बार काउंट करेगा कि कितने हुए। मतलब अगर हम इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, आपने 5 दिया तो उसे तो पता होना चाहिए ना कि 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 4 प्रिंट किया। अगर वो काउंट ही नहीं करेगा कि कितना प्रिंट हो चुका है तो वो तो चलती ही रहेगा फिर उसके हिसाब से। तो इसमें ये स्टार्ट स्टॉप और इंक्रीमेंट और ये टेक्निकल टर्म में इसे क्या कहा जा सकता है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइज वैल्यू जो है मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। और स्टॉप कैसे करेंगे हम लोग, कंडीशन से इसे स्टॉप करते हैं, है ना। ऐसे इसे लिखने के लिए भी इस तरह से लिखते हैं, तो मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं सीक्वेंस से इनिशियलाइज कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसमें से कुछ भी। तो ये इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट होगा, कंडीशन मतलब स्टॉप होगा, इस जगह पे आके कंडीशन स्टॉप होनी चाहिए और इंक्रीमेंट हर बार करेगा। ये था सिंटैक्स, अभी मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल्स, यहाँ पे सिंटैक्स और एक एग्जांपल लिख देते हैं नीचे। आपको स्टार्ट स्टॉप इंक्रीमेंट ये थोड़ा नॉर्मली समझ जाएगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन में शायद कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने दिया। For, let's see, let num या num one equal to one. Num की वैल्यू अभी इसको वन नहीं करते, num करते। num की वैल्यू कितनी है अभी आप लोग बताओ? One. और वो तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होती, और हर बार ये काउंट करेगा। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट बाय वन, एक से ही इंक्रीमेंट होगा, करेक्ट? यस। अभी आप लोग मुझे बताना नम की वैल्यू कितनी है? वन। और नम लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स? मतलब एक ये 5 से छोटा है क्या? एक 5 से छोटा ही है तो ट्रू होगा, तो ये ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो रन होगा। एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं लूप और कॉन्कनेक्ट करके वो नम दिखा देते हैं, ठीक है, बस इतना ये कर दिया हमने। अभी वापस से ये क्या करता है, जैसे ये यहाँ पे आता है ना तो वापस से यहाँ पे आता है, ये लूप खत्म नहीं होता, नीचे नहीं आएगा। नीचे आपका कुछ भी लिखा हो ना ऐसे console.log end of the loop, नीचे नहीं आएगा वो, वापस से ये जैसे लूप है ना तो ये यहाँ पे आएगा, ये खत्म। अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे बताओ पहली वैल्यू इसकी कितनी थी फर्स्ट टाइम? वन। अभी उसमें ऐड किया वन है ना, तो कितना हुआ इसकी वैल्यू? क्या क्या अभी यहाँ पे कंडीशन है कि क्या दो जो है 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या दो छोटे है 5 से? ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा और प्रिंट क्या करेगा वो? लूप लूप 2, ठीक है, लूप हुआ 2 हुआ। अभी 2 के बाद ये वापस से यहाँ पे आएगा तो 2 प्लस और एक इसके अंदर वैल्यू ऐड करेगा तो कितनी वैल्यू होगी वो?
थ्री होगी। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि थ्री जो है वो छोटे है क्या पार्ट से, वापस से अंदर आ जाएगा, ये प्रिंट करेगा फिर ठीक है, यहाँ पे आएगा थ्री प्लस वन कितना होगा यहाँ पे अभी फोर हो जाएगा, फोर हो गया। फिर यहाँ पे वो चेक करेगा कंडीशन कि क्या फोर जो है वो छोटे है फाइव से, तो ठीक है वो आएगा लूप प्रिंट करेगा और वो फोर को भी प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे फोर प्लस वन कितना हुआ फाइव, तो क्या फाइव छोटे या समान यानी बराबर है फाइव के, फाइव यहाँ पे बराबर का साइन है, तो ये आएगा लूप और फाइव प्रिंट कर देगा। फिर वापस से यहाँ पे आएगा, फाइव प्लस वन कितना होता है सिक्स, तो वो बोलेगा कि छह जो है वो छोटा या इक्वल है पांच से। अब क्या होगा इसका, छह छोटे है क्या फाइव से या इक्वल है क्या, नहीं, तो ये लूप क्या होगा इसके अंदर नहीं आएगा, वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद जो भी प्रिंट करने के लिए रहेगा वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से लूप काम करता है, रिपीटेशन करता है। तो आप लोग अगर एक भी लूप समझ गए हो ना तो पांचों के पांचों लूप समझने में ज्यादा डिफिकल्टी ही नहीं है, सेम काम करते हैं, थोड़ा बहुत सिंटैक्स इधर उधर है। सो आर यू कंफर्टेबल विद दिस थिंग, कुछ भी रहेगा पूछो मुझे, क्योंकि ये समझने के बाद ना बाकी के दो लूप आपको मतलब कुछ तकलीफ ही नहीं देंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी इसकी शुरुआती वैल्यू कितनी है, तीन। तीन। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स, क्या ये लूप चलेगा, नहीं सर वो रुक जाएगा सर फॉल्स से कंडीशन होने के लिए। अब कितनी बार चलना चाहिए ये लूप, पांच बार, पांच फाइव टाइम्स, दस से शुरू होगा और पांच बार चलेगा वो, ठीक है। अब चलेगा क्या ये लूप, नहीं सर, क्योंकि 100 जो है ये कंडीशन ट्रू जब तक है तब तक ही ये लूप चल सकता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स ही है तो वो चलेगा ही नहीं, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। चलो अभी मैं और एक चीज कर लेते हैं, मान लो ये 150 कर देता हूँ, मतलब 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक प्रिंट करेगा ये 150 तक। तो आप लोगों ने आउटपुट तो देखा नहीं, नोटपैड में ही सब कर दिए, फिर भी बोल रहे हो कि होगा, देखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, अब देखते हैं और कॉन्फिडेंस सही भी हो सकता है। क्या है हमारी फाइल का नाम, loop.js। अरे बराबर बताया आप लोगों ने, तो सही आ गया, चल गया ये 100 से 150 तक, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान दो तो ये हर बार मैंने एक से इंक्रीमेंट किया है ना, तो 100, 101, 102 करेक्ट, क्या मैं पांच से इंक्रीमेंट कर सकता हूँ इसको, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ना ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा फिर वन वाला प्लस प्लस वाला, इसके लिए आपको ना अलग चीज करनी पड़ेगी, जैसे कि ये प्लस के बदले फाइव करना पड़ेगा, या शॉर्ट हैंड मेथड कैसे यूज करते हैं कोई बताएगा मुझे, असाइनमेंट में हमने सीखा था कि शॉर्ट हैंड मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस इज इक्वल टू फाइव, नम प्लस इज इक्वल टू फाइव, प्लस इज इक्वल टू फाइव, तो मतलब इस तरह से। तो ये इंक्रीमेंट अब कितने से होगा, फाइव से। तो अगर मान लो 100 है तो आपको कैलकुलेशन के लिए सिंपल कर दूं क्या थोड़ा सा, अभी 100 है मान लेते हैं, तो ये सबसे टाइम पे क्या प्रिंट करेगा, लूप और 100 प्रिंट कर देगा बराबर, फिर वो यहाँ पे आएगा 100 प्लस कितना करेगा ये 10, तो कितना होगा 110 हो गए, तो क्या 110 ये 150 से कम है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, ट्रू है, आएगा true. वापस से यहाँ पे आएगा तो आंसर क्या होगा 120 150 से कम है तो ट्रू है तो आएगा। देखो ये कैसे प्रिंट करेगा, एक बार चेक कर लो इसे, कहाँ तक प्रिंट किया ये, कितने बार चला ये, छह बार, सिक्स टाइम, ठीक है।
तो ये आप लोगों को समझना, जस्ट आप लोग अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट आप कर लो बस, बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी आप लोगों को। और रहा सवाल ये वाइल डू वाइल का और बाकी चार लूप का, एक समझ जाओगे तो बाकी के तो सेम ही है ऑलमोस्ट, उसका टेक्निकल डिस्कशन बाद में कर लेंगे हम लोग। तो आज इतना प्रैक्टिस कर लो आप लोग अच्छे से, एंड आई बिलीव कि